पीड़िता पति के साथ पहुंची जिलाधिकारी कार्यालय। पीड़िता दीपा का आरोप, छुट्टी के दिनों में दबंगों ने पुलिस के साथ मिलकर अवैध रूप से किया जमीन पर कब्जा। कालूकुआं चौकी इंचार्ज ने दबंग भू माफियाओं से पैसा लेकर कराया जमीन पर कब्जा। कब्जे की गई जमीन पर पहले से चल रहा सिविल जज जीनियर डिवीजन की कोर्ट में मुकदमा। मामले पर जिलाधिकारी ने पीड़ित पक्ष को दिलाया न्याय का भरोसा। मामला शहर कोतवाली अंतर्गत बिजली खेड़ा मोहल्ले का। बांदा से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। नाम अभी आपका? शंकु राठी। किस समस्या में लेके आया, क्या है मामला? जमीनी समस्या है। क्या है मामला? मामला ये है कि हमारी जमीन सुपर थाना मेन रोड से पड़ी है, घाटा चक्का घाटा संख्या 56 है। इसमें अवैध निर्माण चालू है। रातों दिन दो दिन काम, दो दिन की छुट्टी थी, सेकंड सैटरडे था, रविवार पड़ रहा था, तो रातों दिन काम लगा, पूरे मजदूरी करवा लिया, गेट लगवा लिया है। किस जगह का मामला है? सुपर थाना चौराहा का। कौन लोग हैं? ये लोग है, एक है मेन तो इसमें दरोगा जी राधा चंद तिवारी आलूगढ़ चौकी इंचार्ज, दूसरा राजेश मास्टर, और एक है सुरेश शिवहरे उर्फ गोलू और मोंटी और अजीत और एक सैनाज भी। जिसमें विवाद चल रहा है उसमें कोई मुकदमा ही दर्ज है? हाँ, मुकदमा चल रहा है। कहाँ चल रहा है? ये इलाहाबाद में चल रहा है, सिविल डिवीजन साहब के यहाँ चल रहा है। तो क्या रात का निर्माण होता है वहाँ पे? हाँ हाँ, जो निर्माण हुआ हमारे सब वीडियो है राज की और जिन की। इसके पहले आपने अधिकारी को सूचित किया? हम तो बहुत दौड़े हैं, दो दिन की छुट्टी के पीछे। क्या कहते हैं अधिकारी? कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं आप जाइए, आप कोर्ट जाइए। यह डीएम साहब के पास आए आज? क्या कहा डीएम साहब? उन्होंने कागज दे दिए, कुछ आश्वासन दिया आज? यहाँ कार्रवाई चल रही है।